नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में जाति आधारित गन्ना का दूसरा चरण अप्रैल महीने से शुरू होने वाला है, इसको लेकर तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल से बिहार में दूसरे चरण की जाति आधारित गन्ना शुरू होगी। इस चरण में सारी जानकारी देने के बाद परिवार के मुखिया शपथ लेंगे कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। इस दौरान प्रत्येक घर के मुखिया से 17 सवाल किए जाएंगे। इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया है। वैश्विक रूप से चलित टॉप 100 कोर्सेज में से इंडिया के 44 प्रोग्राम शामिल है। पिछली बार इंडिया के कुल 35 कोर्सेज लिस्ट में जगह बना पाए थे। IIT दिल्ली टॉप 50 संस्थानों की लिस्ट में शामिल हो गई है और यहाँ के कोर्स इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को 49वीं रैंक मिली है। पिछली बार की तुलना में इस बार संस्थान ने 7 पायदान ऊपर चढ़े हैं। तमिलनाडु केस में गिरफ्तार मनीष कश्यप की रिहाई की मांग जोरों पर है। यूट्यूबर के समर्थकों ने आज 23 मार्च गुरुवार को बिहार बंद का ऐलान किया था। मनीष कश्यप के समर्थकों और जनजन पार्टी की ओर से बंद बुलाया गया। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच ने भी बंद में समर्थन किया है। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी आपराधिक मानहानि के मामले में आज गुरुवार को सूरत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सारे मोदी चोरे वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। इस दौरान राहुल गांधी खुद गुजरात के सूरत की एक अदालत में पेश हुए। शिकायतकर्ता के मुताबिक वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रैली के दौरान कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्ती बरत रहा है। इस कड़ी में रेलवे द्वारा टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाता है। रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाकर एक दिन में रेल यात्रियों से 54 लाख रुपए वसूले हैं। इस अभियान में 7,289 रेल यात्री पकड़े गए। देहरादून स्थित वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि हिमालय में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था वो काफी गहरा था, जिसकी वजह से उसने इतने बड़े इलाके को हिला डाला। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गुरुवार को केंद्रीय आला कमान की ओर से पत्र जारी कर इसकी घोषणा हुई है। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विश्व के स्तर पर औसतन रोजाना केस 93,977 है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन खतरा अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि अस्पतालों में मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं, न ही मौत होने की आंकड़े भारत में ज्यादा हैं। जिन राज्यों में कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने चाहिए। बिहार में जमीनों के दाखिल खारिज में सुस्ती और भ्रष्टाचार का मामला आज विधानसभा में उठा। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने दाखिल खारिज की सुस्ती से जुड़ा मामला उठाते हुए सदन को बताया कि जिस हिसाब से दाखिल खारिज के लिए आवेदन आ रहे हैं उस मुकाबले में मामलों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। इस पर विभागीय मंत्री आलोक मेहता ने सरकार का जवाब सदन में रखा और कहा कि भ्रष्टाचार के मामले पहले से कम हुए और अगर किसी विधायक के पास पुख्ता प्रमाण है तो वे उपलब्ध कराए, स्पॉट सस्पेंड कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। वह उच्च कोटि के बुद्धिजीवी और विचारक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में एक समर्पित नेता के साथ सांसद के रूप में भी बहुत योगदान दिया है। हम एक मजबूत भारत के लिए उनकी दूरदृष्टि को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ज्यादातर साइबर फ्रॉड मोबाइल के माध्यम से ही होता है, क्योंकि डिजिटली युग फर्जी ID पर सिम खरीद कर लोगों को फंसाते हैं। इसलिए सरकार ने नए सिम खरीद के नियमों में कुछ बदलाव किया। वहीं पात्र ग्राहकों को ऑनलाइन सिम मुहैया कराने के लिए सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन के नया सिम नहीं खरीद सकेगा। इसके लिए आधार, OTP सहित कई अन्य औपचारिकता को पूरी करनी होगी। आज अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड की ओर से 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया। वैसे फेड चीफ ने कहा है कि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस को देखते हुए ब्याज दरों को होल्ड कर रखा जाएगा, लेकिन इस फैसले से भारत के लोगों की जेब पर असर देखने को मिल सकता है। जानकारों की माने तो अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दर बढ़ाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है, जिसकी वजह से भारत की लोन EMI में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैसे यह बढ़ोतरी 25 बेसिस पॉइंट या उससे कम हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ट्रांजैक्शन के 95,000 से अधिक फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 77,000 मामले देखने को मिले थे। वित्त वर्ष 2021-22 में यह केस बढ़कर 84,000 हो गए। भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व निर्यात में वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से आने वाले दिनों में 7 राज्यों में अत्याधुनिक सुविधाओं में युक्त PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की ताजा पहल से करीब 20 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद की जा रही है।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कार्यक्रम के दौरान भारत की नदियों खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावे पाक से निकलने वाली सिंधु नदी जैसे प्रमुख हिमालयी नदी को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले दशकों में ग्लेशियर और बर्फ के चादरें कम होने की वजह से उनके प्रवाह में कमी देखी जा सकती है। बता दें कि यह नदियां भारत के लिए बेहद खास और अहम मानी जाती हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ईपीएफओ के आंकड़े को देखें तो जनवरी के दौरान पहली बार रोजगार लेने वालों का मासिक आंकड़ा 20 महीने के निचले स्तर पर आ रहा है। जनवरी में वैसे तो 14 लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाते खुले हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 7.7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका ईपीएफओ खाता पहली बार खुला है। देश में शहीदों के सम्मान उनके बलिदान को याद करने के लिए आज के दिन को देश में शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करने के लिए आज के दिन ही शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन पूरे भारत के सपूतों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फांसी की सजा को गले लगाया था। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों के बलिदान को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया था। पंजाब विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी राज्य में मौजूद जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के मसौदे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया वाटर सेस अवैध है और उसे वापस लिया जाना चाहिए। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी पर अब मानना के आरोप लगे हैं। गुजरात की कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमिनेशन केस में राहुल को 2 साल जेल की सजा सुनाई, हालांकि फौरन राहुल को जमानत भी मिल गई। अब इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। राहुल को जमानत मिल चुकी है, हम कानून न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। केंद्र के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। एनडीए और डीआर में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया और अब से महज चंद घंटे बाद केंद्र सरकार इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च यानी शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक की संभावना। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगा सकती है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से शुरू हुए ग्लोबल बैंक संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज सरकारी बैंकर्स के साथ एक अहम बैठक करने जा रही है। वह बैंकिंग सिस्टम की किसी संभावित कमजोरी को लेकर राय मशवरा करना चाहते हैं। इसका मकसद ये जानना है कि क्या दुनिया भर में छाए आर्थिक संकट के असर से बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए किसी तरह से नीतिगत निर्णय की जरूरत है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि वह केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित जमीन के एक टुकड़े पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के चैम्बर के लिए पूरे अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन पर वकीलों के लिए चैम्बर बनाने की मांग करने वाली एससीबीए की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामांकित किए गए अजय बंगा आज 23 और 24 मार्च को दिल्ली के दौरे करेंगे। वह यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया जाने से पहले अफ्रीका में अपने दौरे की शुरुआत कर चुके हैं। उनका यह वैश्विक दौरा 3 सप्ताह तक चलेगा। कांग्रेस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देश की जनता को राहत दे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार तेल के दाम बढ़ा देती है, लेकिन तेल के दाम घटते हैं तो उन लोगों को राहत नहीं दी जाती है। न्यूज एजेंसी एफपी के हाल ही में सामने आई रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान एक अपने 3rd प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, लेकिन 2rd चरण में अलग होते वक्त ईरान एक ऑर्बिट में पहुंचने में विफल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास माता शारदा देवी मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। मंदिर का उद्घाटन करने के बाद शाह ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में एक गलियारा खोलने का प्रयास करेगी। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप पर ग्रुप्स के लिए 2 नए अपडेट की घोषणा की है, जिनमें एडमिन्स के लिए नए कंट्रोल और आसानी से ग्रुप्स को सामान्य रूप से देखना शामिल है। नए फीचर्स जो आने वाले हफ्तों में ग्लोबली शुरू होंगे, व्हाट्सएप द्वारा कम्युनिटी लॉन्च करने के कुछ ही महीनों बाद आए एक ऐसे फीचर है जो बड़े अधिक संरचित डिस्कशन ग्रुप्स की पेशकश करते हैं। मूडीज एनालिटिक्स ने एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा दावा किया। मूडीज का कहना है कि एशिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्राओं में कमजोरी का जोखिम चिंताजनक है। सबसे ज्यादा खतरा भारत पर है। अगर रुपये और अन्य मुद्राएं ऐसे ही कमजोर होती रही तो इसका खासा असर तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर आप भी अक्सर अपनी कार से हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपको निराश कर सकती है। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे पर टोल दर बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। आने वाले 1 अप्रैल से गुरुग्राम से गुजरने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चढ़ना महंगा हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दिल्ली जयपुर हाईवे के खिड़की दौला
टोल प्लाजा गुड़गांव सोना रोड पर घामगौड़ा टोल प्लाजा को पार करने के लिए 5-10% ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी पर सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। अब राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आ गए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अभिषेक राज, एच के मल्होत्रा, महेंद्र कुमार, नुन्नू, गोलू कुमार, विकास सिंह, रविशंकर, एहरान सूफी, त्रिलोक कुमार, एमडी साकिर हुसैन, ओवैसी साबरी, महेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद अंसारी और अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस स्वतंत्रता सेनानी से सबसे अधिक प्रभावित हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।